एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल का प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 5.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वीडियो देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है, इसमें हम लोग पैलेरोग्राम की प्रॉपर्टीज, मतलब पैलेरोग्राम के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं। तो आपको पैलेरोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये जो प्रैक्टिस सेट 5.1 के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या दिया है, देखो, डायगोनल्स ऑफ अ पैलेरोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बना हुआ नहीं है, यानी कि फिगर हमको ही बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, आपके सामने ही फिगर बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक पैलेरोग्राम बनाना है, एंड उस पैलेरोग्राम का जो नाम होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग पैलेरोग्राम। तो आप अपना स्केल पेंसिल यूज करके ड्रॉ करना और मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा पैलेरोग्राम, इसको नाम दे देते हैं W X Y Z। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा पैलेरोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। तो यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलो डायगोनल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डायगोनल्स बना दिए पैलेरोग्राम के। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा O, क्लियर है। चलो आगे क्या दिया है, इफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंगल एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये वाला एंगल, बरोबर। जरा फिगर में अच्छे से देख लो, यहाँ पे देखो ये जो एंगल है दैट इज एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि ये जो पूरा यहाँ पे ये जो एंगल देख रहे हो वो है हमारा 135 डिग्री। आगे क्या दिया है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड एंड एंगल वाई जेड डब्ल्यू, यानी कि हमको ये दोनों जो एंगल्स है इसके मेजर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फिगर में देख लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स कहाँ पे है। तो ये वाला एंगल कहाँ पे है, एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू जेड, इसका मतलब ये वाला एंगल, दिस इज क्वेश्चन मार्क, और वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू, यानी कि ये वाला, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ओके। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट ओ वाई जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सेगमेंट ओ वाई मतलब ये वाला, ठीक है। ये जो है ओ वाई जो है, इसका जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और हमको किसका लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट वाई डब्ल्यू, लेंथ ऑफ द सेगमेंट डब्ल्यू वाई, ओके। हमको किसका लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट डब्ल्यू वाई, यानी कि यहाँ पे देखो डब्ल्यू वाई जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पूरा ये जो डायगोनल देख रहे हो डब्ल्यू वाई, इसका हमको लेंथ फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है अगर आपको प्रॉपर्टीज आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एंगल है वो 135 दिया है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है मतलब कौन सा एंगल, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड जो है ये भी क्या हो जाएगा हमारा 135 डिग्री हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैलेरोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो समझ में आया, ये मिल गया। पहले मैं फटाक से ओरली समझा रही हूँ, उसके बाद रिटन वाला प्रोसेस करेंगे। अब हमको फाइंड करना है एंगल वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू मतलब ये वाला है ना, वाई जेड डब्ल्यू। तो ये वाला एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। वी नो दैट कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैलेरोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, बाजू बाजू वाले एंगल। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब ये दोनों का जो एडिशन है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ये वाला जो एंगल है दैट इज ये वाला एंगल फाइंड कर देंगे। समझ में आया ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ के बारे में देखते हैं, यानी कि सेगमेंट के लेंथ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ओ वाई मतलब ये वाला ओ वाई जो है ये हमको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, और हमको क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई मतलब ये पूरा लेंथ सेगमेंट हमको फाइंड करना है।
तो बताओ क्या होगा, डब्ल्यू वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर। फाई का डबल क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हमको क्या पता है कि जो पैलोरोग्राम के जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है वो क्या करेगा, इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर, तो मतलब डब्ल्यू वाई हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो बस ये ही सब प्रॉपर्टी यूज हो गई ये पूरे एक्सरसाइज में। ओके चलो अभी रिटर्न मतलब लिखते कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फिगर बनाना कंपलसरी है, ठीक है, फिगर आपको बनाना है एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। देखो इसको क्या रीड करते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल रीड करते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैलरोग्राम, ओके यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंगल एक्स वाई जेड जो है दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये हमारे पास गिवन में है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल एक्स वाई जेड जो होगा, एंगल एक्स वाई जेड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ओके एक्स डब्ल्यू जेड। अब ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हो गए, बिकॉज अपोजिट एंगल है ना। तो रीजन लिखना है हमको, रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलरोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ये लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे ये रीजन लिख दिया, तो इसका मतलब अब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल एक्स डब्ल्यू जेड जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एंगल अगर 135 डिग्री है और ये दोनों अगर इक्वल है तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन दे दो इसको, और फिर यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हो गया, मतलब ये मिल गया। अब इसकी बारी, मतलब किसकी बारी, ये एंगल की बारी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल एक्स वाई जेड, ध्यान से देखना, एंगल एक्स वाई जेड प्लस कौन सा एंगल, प्लस एंगल, प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू, प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। व्हाई, बिकॉज वी नो दैट कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैलरोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे, ओके यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैलरोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, ओके तो यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो एंगल एक्स वाई जेड जो है वो है हमारे पास 135 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल तो हमको फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट इज एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज माइनस 135 डिग्री, दैट इज एंगल एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं, एंगल एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस करते हैं, ठीक है यहाँ पे करते हैं 180 माइनस 135, तो ये हो गया 10, ये हो गया अपना 7, ओके तो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, यानी कि 45 डिग्री, तो ये मिल गया हमको 45 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारे आंसर्स आ गए हैं ना उसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हमको पता चल सके कि क्या क्या मिला है। एक मिनट इसको अच्छे से मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल्स मिल गए, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे लेंथ फाइंड करते हैं सेगमेंट का जो हमको पूछा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ नाउ हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सेगमेंट ओ वाई जो है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ओके यानी कि ये जो ओ वाई है इसका जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और हमको किसका लेंथ सेगमेंट फाइंड करना है, डब्ल्यू वाई का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट डब्ल्यू वाई जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ओ वाई, यानी कि ये जो डब्ल्यू वाई है ना इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ओ वाई जो है ना उसका डबल होगा। तो ओ वाई को अगर हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डब्ल्यू वाई का लेंथ मिल जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो मैं बताती हूँ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो लेंथ ऑफ ओ वाई है, लेंथ ऑफ ओ वाई जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ
हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट डब्ल्यू वाई, यानी कि ये जो है ना हमारा ओ वाई, ओ वाई क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, डब्ल्यू वाई का हाफ होगा। अब ऐसे हमने क्यों लिखा, व्हाट इज द रीजन, रीजन में लिखेंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं पैलोरोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैलोरोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लेंथ ऑफ ओ वाई है 5 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे 5 लिख देंगे, ओके, इज इक्वल्स टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ सेगमेंट डब्ल्यू वाई। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 5 × 2 इज इक्वल टू 1 × लेंथ ऑफ सेगमेंट डब्ल्यू वाई, क्या होगा, वही होगा लेंथ ऑफ सेगमेंट डब्ल्यू वाई, ठीक है, यानी कि 1 × ये करेंगे तो यही मिलेगा, सिंपल है। अब 5 × 2 क्या होगा, 10 होगा, 10 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट डब्ल्यू वाई, तो दैट इज हमको मिल गया लेंथ ऑफ सेगमेंट डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर जरूर लिख देना क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटीमीटर यूनिट दिया है तो भूलना मत, ठीक है, ये सेंटीमीटर वगैरह सब अच्छे से लिख दो। यहाँ पे डिग्री होता है, मतलब कि जब एंगल होता है तो वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखो। तो बस ये था हमारा फर्स्ट वन, बहुत ही ईजी था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये जो ओ वाई है ना वो क्या होगा, हाफ होगा किसका, डब्ल्यू वाई का, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू वाई है ना, यहाँ पे देखो ये जो लेंथ होगा ना डब्ल्यू वाई का, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ओ वाई, ठीक है। इसका मतलब और इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, सेम ही है, ये दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो आपको अगर ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। तो चलो अभी हम करते हैं सेकेंड वन, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड वन बहुत ही इजी है। क्या दिया है देखो, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 3x + 12 degree और जो एंगल बी है वो क्या है 2x - 32 degree, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। यानी कि यहाँ पे देखो एक पैलोरोग्राम है ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, इस पैलोरोग्राम को ड्रॉ करेंगे, ओके, क्योंकि फिगर से हमको थोड़ा सा, मतलब फिगर से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फील कर सकते हैं। तो प्लीज आप फिगर ड्रॉ करो ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं ना, हमारा क्या जाता है, कुछ नहीं लगता है। तो चलो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है कि ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है वो दिया है हमको 3x + 12 degree, ओके, और जो एंगल बी है, एंगल बी यहाँ पे है, एंगल बी हमको दिया है 2x - 32 degree, ओके। और हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखो सबसे पहले तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमको क्या करना है, एंगल C और एंगल D फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो एंगल C है और ये जो एंगल D है वो हमको फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे ना तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, एंगल A मिल जाएगा। देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, जो भी हमको x की वैल्यू मिलेगी जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो जो हमारा एंगल A है ना वो हमको मिल जाएगा, जो रियल वैल्यू है ना एंगल A की वो मिल जाएगी, ठीक है। वैसे ही जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल B मिल जाएगा, यानी कि एंगल B की जो रियल वैल्यू है ना वो मिल जाएगी। और जब हमको एक बार एंगल A और एंगल B मिल जाएगा तो एंगल C और एंगल D भी मिल जाएगा ना, क्योंकि वी नो दैट अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैलेरोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जो भी एंगल A की वैल्यू होगी, यानी कि जो भी एंगल A का मेजर होगा वही हमारे एंगल C का मेजर होगा, और जो हमारे एंगल B का मेजर होगा वही हमारे एंगल D का मेजर होगा। क्लियर है ना, इजी। हाँ, लेकिन बात ये है कि ये एंगल X, सॉरी एंगल बोले, ये X की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो क्या है, इज अ पैलोरोग्राम, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो है हमारा पैलोरोग्राम। और क्या गिवन है कि जो एंगल ए है दैट इज इक्वल टू 3x + 12 degree और जो एंगल बी है वो है हमारा 2x - 32 degree, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल ए और एंगल बी जो है ये क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल है ना। एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू बाजू में एंगल है, तो मतलब वी नो दैट कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैलेरोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? यस, रीजन हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैलेरोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया हमारा रीजन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैलेरोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दैट एड अप टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल ए की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 3x प्लस 2l, ठीक है, अगर अभी हमने डिग्री नहीं लिखा तो भी चलेगा। प्लस एंगल बी की जो वैल्यू है वो है 2x माइनस 32। तो एंगल ए की वैल्यू लिख दी, एंगल बी की वैल्यू लिख दी, फिर इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स वाले टर्म क्या हो गए, सॉल्व हो गए, और ये जो नंबर नंबर है वो सॉल्व हो गए, है ना। तो 3x प्लस 2x क्या हो जाता है 5x, तो 5x आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर नंबर है उसकी साइन पहले देख लो, यहाँ पे है ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हमको ये दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 32 माइनस 12 करोगे, 32 माइनस 12 करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यानी कि 32 माइनस 12 किया तो हमको 20 मिला, एंड ग्रेटर नंबर है ये, इसकी साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 5x ये माइनस 20 डिग्री है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 20। तो दैट इज 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20 क्या होगा, वेरी गुड, 200 होगा। दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 200, और ये मल्टीप्लाई में 5 है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 5। ओके, तो यानी कि एक मिनट पहले देख लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 4 20 और 5 0 0, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमको 40। x की वैल्यू 40 मिल गई, बहुत अच्छी बात है। अब x की वैल्यू 40 मिल गई ना, अब हम क्या करेंगे, एंगल ए फाइंड करेंगे और एंगल बी फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इसको बॉक्स में डाल दो, बॉक्स के अंदर डाल दो, नाउ ऐसे करके लिखेंगे नाउ। ओके, नाउ एंगल ए जो है वो क्या है हमारा, 3x प्लस 12 डिग्री है ना। लेकिन अब हमको x की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमको एंगल ए की रियल वैल्यू पता चले, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में है ना। अब इसकी रियल वैल्यू हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये 3x की जगह पे लिख दो 40, ओके, और प्लस 12, ये जो डिग्री है ना वो लास्ट में हम लोग लगा देंगे, अगर डिग्री आपने अभी फिलहाल नहीं लगाया तो भी चलेगा, लास्ट में हम डिग्री लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो ये 3x की जगह पे 40 प्लस 12, तो 3 × 40 हो जाएगा हमारा 120, बरोबर 120 और प्लस 12, तो दैट इज इक्वल टू 120 प्लस 12 हो जाएगा 132, यानी कि एंगल ए मिल गया हमको 132 डिग्री। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एंगल बी फाइंड करेंगे। तो चलो एंगल बी फाइंड करते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी की वैल्यू जो है वो क्या दी है, 2x माइनस 32 डिग्री, तो दैट इज 2x के जगह पे पुट करेंगे 40 माइनस 32, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2 × 40 हो जाएगा 80, 80 माइनस 32, तो चलो 80 माइनस 32 करते हैं, तो ये 10 हो गया, ये हो गया हमारा 7, तो 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 3 4, यानी कि 48 डिग्री, यानी कि एंगल बी मिल गया हमको 48 डिग्री और एंगल ए जो है वो मिल गया हमको 132 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमको एंगल ए और एंगल बी नहीं फाइंड करने थे, हमको तो क्या फाइंड करना था, एंगल सी और एंगल डी। लेकिन अगर एंगल सी और एंगल डी फाइंड करना है उसके लिए एंगल ए और एंगल बी की जरूरत तो है ही, है ना। अब आ जाते हैं फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी हम लोग, सॉरी, तो यहाँ पे भी फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंड हम लोग क्या बोलेंगे, एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंड द रीजन
ये दोनों का रीजन क्या होगा, सेम होगा, और वो क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अब ये हमने रीजन लिख दिया, तो देयरफॉर अभी हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी जो होगा दैट इज इक्वल टू 132 डिग्री, बिकॉज एंगल ए है हमारा 132 डिग्री, तो एंगल सी हो जाएगा 132 डिग्री, एंड जो हमारा एंगल डी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री। ओके, वाई 48 डिग्री, बिकॉज एंगल बी हमारा 48 डिग्री है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो इजी, चलो इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोबाइल जो है वो नीचे कर दिया। तो एंगल डी इज इक्वल टू 48 डिग्री, ठीक है, चलो फिलहाल नोट डाउन कर लो, करते हैं थर्ड वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो यहाँ पे देखो थर्ड वन क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसका जो पेरीमीटर है वो हमको दिया है 150 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पेरीमीटर एक्चुअली में होता क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है, तो चलो पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो पेरीमीटर होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या कि जब हम क्या करते हैं, ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसके इसके लिए जो सारे साइड्स जो है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट आर एस प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट एस पी। ओके, इसका मतलब क्या है ये समझा, ये देखो ये यहाँ पे एक एक्चुअली में एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है। ये जो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बेसिकली पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ना, इसके ये जो सारे जो साइड्स है ना, सारे जो साइड्स है उनको क्या करते हैं, अगर हम लोग ऐड करते हैं, ये चारों साइड्स को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर मतलब क्या, ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसके जो सारे साइड का जो डिस्टेंस होगा ना, टोटल डिस्टेंस जो होगा ना ये सारे साइड का, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर। और वो यहाँ पे दिया है 150 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसका ये जो चारों साइड का जो डिस्टेंस है, ओके, टोटल टोटल फोर साइड का जो डिस्टेंस है वो हमको दिया है 150 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो एक ही बात है, तो बस यही होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखो एक पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको मिल गया है। ओके, क्लियर है, पेरीमीटर समझा। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसकी एक साइड जो है वो क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है अदर साइड से बाय 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो अदर साइड है ना, यहाँ पे हम लोग लेट मानेंगे, लेट मान लेते हैं कि जो अदर साइड है ना पैरेललोग्राम का, वो ले लेते हैं हम लोग x सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये जो हमारा साइड है पैरेललोग्राम का, इसको हम लोग x सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अदर साइड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वन ऑफ इट्स साइड, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका एक साइड जो है वो क्या है, ग्रेटर है अदर साइड से बाय 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मतलब अगर सपोज करो कि ये हमारा x सेंटीमीटर है, ओके, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसका ये वाला जो साइड है वो x सेंटीमीटर है, तो इसका जो ये वाला साइड हो जाएगा, ये जो थोड़ा सा बड़ा साइड है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया है कि पैरेललोग्राम में, ये जो पैरेललोग्राम है उसमें एक साइड जो है वो क्या है, ग्रेटर है अदर साइड से बाय 25 सेंटीमीटर। तो हमने अदर साइड को ले लिया x सेंटीमीटर, तो मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इससे 25 सेंटीमीटर बड़ी है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये जो SR है ये हो जाएगी हमारी x प्लस 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा
साइड वाला समझा ना? ओके, अब आगे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि हमको क्या करना है, ये जो पैरेललोग्राम है इसके सारे साइड का लेंथ फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये दिमाग लगा कि अगर ये एक सेंटीमीटर है तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही अगर ये वाला क्या है, x प्लस 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो मतलब हमको क्या करना है अभी, मतलब ये चारों साइड का लेंथ फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिगर इज कंपल्सरी, अगर फिगर कंपल्सरी है क्योंकि हम लोग फिगर को देख के ही क्या करने वाले हैं, अपना सोल्यूशन लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, वो क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। ओके, इतना समझ में आया, ये हमारा ये लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है दैट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, है ना। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है, पैरेललोग्राम है, इसका पेरीमीटर है 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट ये जो हमारा लेंथ ऑफ सेगमेंट PS है, लेंथ ऑफ सेगमेंट PS जो है वो क्या है, x सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, बाय गिवन कंडीशन, जो हमको कंडीशन गिवन है उससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ SR हो जाएगा, लेंथ ऑफ SR जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ है उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 25, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। तो समझ में आया, अगर ये एक सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, इससे 25 बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका लेंथ हो जाएगा x प्लस 25 सेंटीमीटर। तो ये सब हमने लिख दिया, ठीक है, ये सब हमारा गिवन वाला पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे कि ये जो हमारा लेंथ ऑफ PS है, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ PS जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ QR, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड दे बोथ विल बी इक्वल टू व्हाट, x सेंटीमीटर। वैसे ही सेम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ SR इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ PQ एंड द रीजन इज व्हाट, यानी कि सबसे पहले तो ये दोनों जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x प्लस 25 सेंटीमीटर। और ये दोनों का रीजन क्या होगा, ये दोनों का रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हमको रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉमन। ठीक है, क्लियर है, तो ये समझा ना गिवन में क्या क्या लिखा है। अगर नहीं समझा तो ये पूरा पार्ट देख लो। सबसे पहले लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो हमारा पैरेललोग्राम है, उसके बाद ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसका पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर दिया है। फिर हमने लेट लिया, हमने क्या लेट लिया कि ये एक सेंटीमीटर है, अगर ये एक सेंटीमीटर है तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 25 सेंटीमीटर बाय गिवन कंडीशन। फिर हमने बताया कि ये वाला लेंथ इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और ये वाला लेंथ इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 25 सेंटीमीटर बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब आ जाते हैं मेन, अब हम ये मतलब कि जो फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसके सारे साइड्स का लेंथ फाइंड करना है। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। अगर एक बार हमको x की वैल्यू मिल गई ना तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो x मिल जाएगा तो मतलब ये दोनों जो साइड है उसका लेंथ मिल जाएगा, और जब एक बार x मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगी, ये दोनों जो हमारे साइड है इसकी भी लेंथ मिल जाएगी, है ना। तो अभी x कैसे फाइंड कर, तो बहुत ही सिंपल है। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो पेरीमीटर होता है, यहाँ पे यही लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट आर एस प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट एस पी। यही हमारा मेन फॉर्मूला है। ये चीज अगर आपको पता है तो मतलब आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, अगर यही नहीं पता तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
तो चलो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो पेरीमीटर कितना है 150, तो इस पेरीमीटर के नीचे यानी कि यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे 150, और लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ देखो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ है x+25, है ना, तो ये x+25 इसके नीचे लिखेंगे x+25, ओके, प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट QR कितना है x, तो इसके नीचे लिखेंगे x, फिर प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट RS कितना है, देखो x+25, तो x+25 लिखेंगे, प्लस लेंथ ऑफ SP क्या है x, तो x लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल, तो ये 150 के नीचे ये 150 है, तो यहाँ पे भी 150 आएगा नीचे, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, x+x+x+x, तो 4x हो गया, है ना, x+x+x+x, तो 4x, और ये 25+25 हो जाएगा 50, ओके, अब ये प्लस 50 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो -50, दैट इज 150 - 50 इज इक्वल टू 4x, तो 150 माइनस 50 करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 4x, अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 4 इज इक्वल टू x, तो दैट इज 4 1 4, 4 2 8, तो 2 बचेगा 4 4 16 होता है, 4 5 हो जाएगा 20, यानी कि सिंपल सी बात है 4 25 होता है 100, तो यानी कि हमको x की वैल्यू मिल गई है 25, ओके, x की वैल्यू जो है वो 25 मिल गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारे हमारा ये जो पैरेललोग्राम है इसके सारे साइड्स का लेंथ फाइंड करेंगे, तो चलो एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेंथ ऑफ सेगमेंट PS एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट QR, यानी कि देखो x की वैल्यू मिल गई 25, मतलब ये 25 है और ये भी हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर है, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है 25, तो यानी कि 25+25 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये भी 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया था ना, देखो कंडीशन क्या दी थी कि इस पैरेललोग्राम में आपको एक साइड ऐसी मिलेगी जो क्या है ग्रेटर है हमारे अदर साइड से बाय 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब अगर ये छोटी वाली साइड 25 सेंटीमीटर है तो जो बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, इससे 25 सेंटीमीटर बड़ी होगी, तो इससे 25 सेंटीमीटर बड़ी होगी मतलब क्या, इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 25 को, तो 25+25 50, तो ये 50 सेंटीमीटर, ओके। बस अभी इसको आपको लिखना है, लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट PS इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट QR एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, x सेंटीमीटर था, ये x सेंटीमीटर था, दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और x की वैल्यू मिल गई है 25, तो यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग ये स्ट्रेट लिखना, मेरे को जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अभी नेक्स्ट हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ सेगमेंट SR, लेंथ ऑफ सेगमेंट SR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ एंड दैट इज इक्वल टू x+25 सेंटीमीटर, लेकिन अभी हमको x की वैल्यू मिल गई है 25, तो दैट इज 25+25 दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या लिखा, लेंथ ऑफ SR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ, है ना, ये दोनों लेंथ क्या है इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू x+25 सेंटीमीटर था, लेकिन अभी x की वैल्यू मिल गई है दैट इज 25, तो 25+25 यानी कि ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लास्ट में हमको ऐसे पूरा डिटेल में दिखाना है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा थर्ड वन। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं फोर्थ वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आगे के जो हमारे 3 क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं फोर्थ वन क्या दिया है। इफ द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पता ही आपको मैं क्या करने वाली हूँ, हाँ, फिगर बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिगर से पता है ना आपको क्या होता है, फिगर से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, हम दे देते हैं ABCD। अब यहाँ पे देखो गिवन में क्या है कि हमको यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो दिया है, ठीक है, ध्यान से देख लो क्या दिया है, रेशियो दिया है किसका, दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है, दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है।
तो अभी हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स कौन से लेने चाहिए हमको? कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए, ठीक है, या फिर हमारे ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, या फिर हमारे ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, या फिर हमारे ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट मतलब समझता ना, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले एंगल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, एंगल ए और एंगल बी, ये क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल है। वैसे ही एंगल डी एंड एंगल सी, ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों भी हमारे एडजेसेंट एंगल है, और ये दोनों भी हमारे एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे कौन से एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसको भी ले सकते हो। मतलब अगर आपको ये दोनों एडजेसेंट एंगल लेना है तो ये दोनों लो, ये दोनों लेना है तो ये दोनों लो, ये दोनों लेना है तो ये दोनों लो, ये दोनों लेना है तो ये दोनों लो, कुछ भी लो, आंसर तो सेम ही आएगा एट द एंड, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे पहले तो देखो क्या दिया है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसके दो एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो है वो दिया है 1:2। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल ए और एंगल बी है, ओके, यहाँ पे गिवन में आएगा हमारा एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों का जो रेशियो है वो हमको दिया है 1:2, ओके। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 1:2, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ओके। तो ये हमको गिवन है, और हमको क्या करना है, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसके सारे एंगल्स का मेजर फाइंड करना है। That is angle A question mark, angle B question mark, angle C question mark, angle D question mark। तो कैसे find करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बताती हूँ रुको। लेकिन उससे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो quadrilateral A B C D है वो क्या है, is a parallelogram, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला, from figure हमने क्या बोला कि ये दोनों adjacent angle है, इनका जो ratio है वो दिया है 1:2, ये given है आपको। अब हम next क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब हमको क्या करना है ना, एक्चुअली में ये रेशियो की साइन हटानी है। यहाँ पे देखो, ये जो रेशियो की साइन है ना वो हटानी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, लेट करके बोलेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अब ये कॉमन मल्टीपल क्यों लिया जाता है, ये कॉमन मल्टीपल क्यों लिया जाता है, ताकि यहाँ पे ये जो रेशियो वाली जो साइन है ना वो हट जाए, ठीक है, वो क्या हो जाए, हट जाए। तो देयरफॉर अभी हमको क्या मिलेगा कि ये जो एंगल ए है वो हो जाएगा हमारा 1:x, करेगी तो क्या मिलेगा, 1:x करेगी तो मिलेगा x, दैट इज x डिग्री। तो एंगल ए हो गया x डिग्री, और जो एंगल बी है, एंगल बी जो है वो हो जाएगा 2:x, करेगी तो क्या मिलेगा 2x, तो दैट इज 2x डिग्री। तो एंगल ए मिल गया x डिग्री और एंगल बी मिल गया 2x डिग्री, ठीक है। तो ये कॉमन मल्टीपल क्यों लिया जाता है, ताकि ये जो रेशियो वाली जो साइन है वो हट जाए। तो यानी कि एंगल ए हो जाएगा हमारा एक्स डिग्री, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन मल्टीपल है ना उसको क्या करेंगे, ये जो रेशियो है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाके हमको क्या मिल जाएगा, एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, और एंगल बी हो जाएगा 2:x, 2x डिग्री। तो ये एंगल ए और एंगल बी मिल गया है ना, और ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल है, और हमको एडजेसेंट एंगल की एक प्रॉपर्टी पता है, वी नो दैट कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये दोनों का जो एडिशन है वो 180 डिग्री हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज रीजन में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ओके, रीजन लिख दिया। अब एंगल ए देखो हमारे पास क्या है, एक्स, तो एक्स डिग्री, प्लस एंगल बी है हमारे पास 2x, दैट इज 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दैट इज x इज इक्वल टू 180, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है 3, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3 वन जा 3, 3 सिक्स जा 18 एंड 3 जीरो जा 0, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमको 60, ओके, x की वैल्यू हमको 60 मिल गई, इसका मतलब हमको क्या मिल गया, एंगल ए मिल गया, क्योंकि एंगल ए था हमारा x डिग्री, यानी कि देयरफॉर अभी हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जो था वो था x डिग्री, और x की वैल्यू है 60, दैट इज एंगल ए मिल गया हमको 60 डिग्री। वैसे ही अगर तुम लोग देखोगे एंगल बी जो है वो है 2x डिग्री, इसका मतलब अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, x से 60 ना, तो x की जगह पे 60 पुट करेंगे, तो 2:60 हो जाएगा 120 डिग्री,
तो यानी कि यहाँ पे देखो एंगल ए मिल गया हमको 60 डिग्री, एंगल बी मिल गया हमको 120 डिग्री. ओके, हमको सारे एंगल्स जो है इस पैरेललोग्राम के उसका मेजर हमको फाइंड करना है. तो अभी ये दोनों का क्या हो जाएगा मेजर? वेरी गुड, अब आपको सब समझ में आ गया ना. देखो ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा. एंड हमको ऐसे करके सारे एंगल्स मिल गए, सिंपल. तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल, एंगल यहाँ पे देखो एंगल ए मिल गया है 60 डिग्री, एंगल बी मिल गया है हमको 120 डिग्री. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री. और यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 120 डिग्री. ओके, 120 डिग्री. तो यहाँ पे देखो एंगल बी और एंगल डी क्या हो गए? इक्वल हो गए एंड दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, रीजन के हाफ मार्क्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, चलो इसी के साथ फोर्थ वन हमने कर लिया. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट में. आई विल ट्राई कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकूं. यानी कि अगर आप चाहते हो कि कोई मैं पर्टिकुलर लेसन स्टार्ट करूं एल्जेब्रा या ज्योमेट्री में से, तो आप बता सकते हो, तो मैं वो स्टार्ट करूंगी. ठीक है, अभी आप ही बताओ एल्जेब्रा का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम वो चैप्टर स्टार्ट कर सके. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. शेयर जरूर कर देना वीडियो को. चलो बाय एंड टेक केयर.